हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे त्रुटि के बारे में, एरर के बारे में और त्रुटियों के संयोजन के बारे में। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि R1 का मान हमको दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम, ये यूनिट है प्रतिरोध का, और R2 का मान 300 प्लस माइनस 4 ओम। तो हमें RS व RP निकालना है। RS कब होता है श्रेणी क्रम में और RP कब होता है समांतर क्रम में। बच्चों, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने आपको RS का फॉर्मूला बताया था, R1 प्लस R2, ये है श्रेणी क्रम के लिए। किसके लिए बच्चों? श्रेणी क्रम के लिए RS बराबर R1 प्लस R2। आप देखो, अगर RS की रियल वैल्यू निकालनी है क्या होगी, 100 प्लस कितना होगा 300, कितना होगा 400। और अगर त्रुटि निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब RS का मान कितना आ गया, 400 प्लस माइनस 7 ओम। 400 प्लस माइनस कितना होगा 7 ओम, समीकरण नंबर क्या आ गया, 1। ये RS आ गया। आरपी की बात की बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP समांतर क्रम की बात करो। एक बटा आरपी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 1/RP कितना आएगा, एलसीएम में सॉल्व भी करवाया था, R1 R2, इसको गुणा भाग के रूप में लाना पड़ेगा। R1 R2 ऊपर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1, और ये R2 प्लस R1 किसके बराबर होता है बच्चों, RS के। तो 1/RP बराबर RS/R1 × R2। सॉल्व किया तो क्या आ गया, उल्टा कर दो, RP बराबर R1 R2 / क्या हो गया, RS। अब इसको त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Δ RP/RP, Δ R1/R1, Δ R2/R2 प्लस Δ RS/RS। ठीक है बच्चों। अब इसमें बच्चों RP देखो, Δ R1 गिवन है, R1 गिवन है, Δ R2 गिवन है, R2 गिवन है, Δ RS मैंने ज्ञात कर लिया, RS मैंने ज्ञात कर लिया। अब Δ RP, पहले तो मैं RP निकालूंगा, पहले क्या करेंगे हम RP सॉल्व करेंगे। तो बच्चों RP सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे तो Δ RP का मान मिल जाएगा। तो बच्चों देखो, RP अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। तो 1/RP = R1 कितना है बच्चों 100, R2 कितना है 300, तो 1/100 प्लस 1/300 प्लस सब कितना आ गया बच्चों 300। यहाँ कितना हो गया बच्चों 3 बार, और यहाँ कितना हो गया 1। उल्टा कर दो तो RP बराबर कितना आ गया बच्चों 300/4 ओम। कितना आ गया 300/4 ओम बच्चों, ध्यान रखना। इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, RP बराबर आ जाएगा 75 ओम। कितना आ जाएगा 75। तो RP का मान कितना आ गया बच्चों 75 ओम आ गया। कितना आ गया बच्चों 75 ओम आ गया, ध्यान रखना। तो इसको नोट कर लो, आगे वाली बात हम इसके बाद करते हैं, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, इसके मान रखते हैं हम लोग, तो Δ RP/RP कितना है 75 बराबर Δ R1/R1 3/100 प्लस Δ R2/R2 4/300 प्लस 7/400। ठीक है, Δ RP/75 कितना है 400, क्या हो जाएगा 4 बार 12, 400 नहीं होगा लसब, सॉरी लसब हो जाएगा 1200। 1200 में गया कितनी बार, 12 बार
बारह थी 36, 1200 में 304 बार, चार चौक 16, 1200 में 403 बार, सात तिया 21। अब डेल्टा आर की बराबर 36 प्लस 16 प्लस 21, दो ने एक छः सात सात छः 13 आंसर लगी एक, तीन एक चार, चार ने पाँच, पाँच दो सात बटा 1200 इंटू 75। 25 से कट गया तीन बार, 25 चौका 100, पीछे क्या रह गया 20 और यह आ गया 8 बार, 25 से कट गया 48 बार, ठीक है, और ये कट गया 16 बार। तो डेल्टा आर पी बराबर कितना आ गया 73 बटा 16 ओम, या 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 16 चौक 64, पीछे रहा 9, 16 5 80, पीछे रहा 10, 16 छिन 96, पीछे रहा 4, 16 दूनी 32, 4.5625। पर हमारे पास तो पॉइंट के बाद वाली संख्या ही नहीं, तो इसको डेल्टा आर पी को राउंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि हमें एक ही अंक दशमलव के बाद कोई अंक तक लेना है, आंसर क्या आ जाएगा 5। इसको फाइनल रूप में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आर पी बराबर 75 प्लस माइनस 5। ये बच्चों कैसे आया, क्योंकि हमें यहाँ पूर्णांकित करना पड़ता है, हमारे पास कहीं पे भी दशमलव का अंक नहीं है तो यहाँ पे भी दशमलव का अंक नहीं होना चाहिए, तो पीछे 5 है, अगर 5 होता है तो उसके बाद की संख्या देते हैं, वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है इसका मतलब एक क्या कर देंगे इसमें बढ़ा देंगे, तो कितना आ गया 5 ओम आ गया, कितना आ गया 5 ओम आ गया, नोट कर लो ये आर पी आ गया। ये बच्चों अच्छा सवाल था, ये ध्यान रखना, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। सवाल है, किसी क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल कितना गिवन है बच्चों, 0.32 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.32 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर पर, ये क्षेत्रफल गिवन है पर 2500 प्लस माइनस 5, पर 2500 प्लस माइनस 5 न्यूटन का बल, 2500 प्लस माइनस 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, दाब का मान ज्ञात करो, दाब का मान ज्ञात करो, दाब का मान ज्ञात करो, बच्चों ये सवाल है। अब आपको पता है प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स ऑन अपॉन एरिया, तो हमेशा त्रुटि के साथ हमको ज्ञात करना पड़ेगा, जहां त्रुटि गिवन है तो हमको भी त्रुटि के साथ करना पड़ेगा, तो पहले देखो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब डेल्टा पी बराबर क्या होगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, सीधा आपके सामने, तो पहले पी निकालते हैं, 2500 अपॉन 0.32, पॉइंट हटाओगे बच्चों क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, अब तो इसका मतलब ये तो अपना आ गया क्षेत्रफल, ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो आपको पता है पॉइंट में संख्या मिलेगी, सॉल्व कर लेते थोड़ा, तो ये हो गया पी बराबर, ये कट गया 16 बार, ये कट गया 1250 1250 बार, और कैंसिल कर दिया 4 से, ये कट गया 8 बार, ये कट गया 625 बार, ठीक है, अब 8 में इसको डिवाइड करो, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सात 56, पीछे कितना रहा 6, 56 6 62 65, 8 सात 56, 8 8 64, पीछे रहा 1 10, ये जीरो लगा दिया मैंने, क्या कर दिया जीरो लगा दिया, जीरो लगाया तो ऊपर क्या है बच्चों,
6,062,500/8 और भाग दिया तो क्या हो गया, 8 × 7=56, पीछे रहा 6, 8 × 8=64, पीछे रहा 1, 10, 8 × 1=8, पीछे रहा 2, 0 लगाया, 8 × 2=16, पीछे रहा 4, 8 × 5=24, ये आ गया, पास करो, ये आ गया, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी बच्चों, तो डेल्टा पी अपॉन पी, पी की जगह लिखता हूँ बच्चों, सॉल्व की वैल्यू ना लिख के मैं लिखता हूँ 62,500/8, सॉल्व करने में आसान होगी। डेल्टा एफ अपॉन एफ हो जाएगा 5/2500 प्लस डेल्टा पी अपॉन पी 0.32/0.02, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल बच्चों, डेल्टा पी अपॉन 62,500/8 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 5/2500 + 16/1, कट गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा पी बराबर एलसीएम कितना आएगा बच्चों 2500, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 16 × 2500, क्या हो जाएगा 16 × 2500 हो जाएगा बच्चों। और ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई में आ जाएगी 62,500/ क्या आ जाएगा 8, ये कट गया पॉइंट से पॉइंट, 25 से कट गया बच्चों, ये 25 बार 25 × 25 कितना होता है 625, नहीं 25 से कट गया 1 बार 2 बार, पीछे कितना रह गया 12 × 125, हाँ 25 बार, 25 × 25 कितना होता है बच्चों 625, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, इसको उठा यहाँ लिख लेता हूँ, डेल्टा पी बराबर ये हो गया 5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 0, 16 × 5 कितना होता है 80, पीछे कितना आ गया 8 और 8, और यहाँ पे 16 × 2=32, 32 और 8 कितना होता है बच्चों, 32 और 8 होता है बच्चों 40, कितना होता है बच्चों 40 होता है बच्चों 40, ठीक है, इनटू 25 डिवाइड बाय कितना आ गया 8, ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों, कुछ इस तरह से अपने को आंसर मिलेगा एरर के अंदर बच्चों, ध्यान रखना। तो ये अपना आंसर है एरर के अंदर, इसको अच्छे से आप नोट कर लो, बच्चों एक थोड़ी सी मिस्टेक हम लोगों ने कर दी यहाँ पे, एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने की है यहाँ पर बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अभी इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ जो मिस्टेक हुई वो ये 0.02/0.32 हम लोगों ने उल्टा लिख लिया बच्चों, तभी मैं सोचता हूँ आंसर इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, ये मिस्टेक हो जाती कभी कभी, इसको इससे कैंसिल कर दिया बच्चों। तो क्या हो गया, डेल्टा पी बराबर 62,500/8 ये हो गया, एक बार कट गया, ये कट गया 500 बार, 1/500 प्लस 1/16। अब बच्चों डेल्टा पी बराबर इसको मान ले गया मल्टीप्लाई में, यहाँ एलसीएम कितना आया 500 × 16, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ कट गया 16 बार, ये हो गया 500 बार, और ये कितना आ गया बच्चों 62,500/8। अब बच्चों सॉल्व करें इसको, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, डेल्टा पी 516/500 × 16 × 62,500/8, 2 0 से 2 0, 5 से कट गया 125 × 6=25, ठीक है, 8 से कट रहा है क्या, 8 × 48, पीछे 3 36, 4 से तो कट जाएगा, 2 से कटते हैं 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, 5 बार, 258 बार, वापिस 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 1 बार, 2 बार, 129 बार, ठीक है बच्चों। तो
तो आंसर कितना हो गया, डेल्टा पी बराबर 129 इंटू 125 बटा कितना आ गया 32। हाँ 16 दूनी कितना हो गया 32, तो क्या आ गया 129 इंटू 125 डिवाइड बाई क्या आ गया बच्चों 32 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा लगभग जो भी है आपका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों, ध्यान रखना ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों आंसर आएगा 503.9 मीटर स्क्वायर। ये सीधा मैंने वहां से अपने पास जो आंसर था वो देखा है बच्चों, तो 503.9 मीटर स्क्वायर ये डेल्टा पी आ गया। पी हमारे सामने पहली बार है तो दाब क्या हो जाएगा, दाब बराबर 7812.5 प्लस माइनस कितना है 503.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर और हम लोगों ने छोटी सी मिस्टेक भी कर ली थी बच्चों, अगर उसका ध्यान रखेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, ध्यान नोट कर लो बच्चों। बच्चों नोट कर लो अच्छे से, अब बच्चों आगे देखो, घात के कारण त्रुटि किसके कारण बच्चों, घात के कारण पावर के कारण त्रुटि, घात के कारण त्रुटि, त्रुटि बिकॉज ऑफ पावर बच्चों। अब देखो जैसे अगर हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू ए की पावर टू, इसको क्या लिख सकता हूं x इक्वल्स टू a इंटू ए, तो a इंटू ए मल्टीप्लाई का आपको पता है डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन, तो कितना हो गया डेल्टा x अपॉन x कितना हो गया 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a, क्योंकि आपको पता है अगर x इक्वल्स टू a इंटू b हो तो क्या होता है डेल्टा x अपॉन x डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन a, यहाँ पे दोनों ही a है तो डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a कितना हो गया 2 डेल्टा अपॉन a। इसी प्रकार x बराबर a की पावर 3 हो तो x बराबर क्या होगा a इंटू a इंटू a, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x बराबर 3 डेल्टा a अपॉन a तथा ठीक है। यदि x बराबर a की पावर n हो तब क्या बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू ए इंटू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो हमेशा घात को क्या करना है आगे गुणा में लाना है, क्या करना है आगे गुणा में लाना है। तो ध्यान रखना बच्चों घात के क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसे आगे किस में लाना है बच्चों, गुणा में लेके आना है। किस में लेके आना है बच्चों, गुणा में ले आओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो घात के क्वेश्चन सॉल्व करते समय घातों को आगे गुणा में लाया जाता है, किस में लाया जाता है गुणा में बच्चों। इस चीज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके ऊपर सवालों की बात भी करेंगे बच्चों। अब बच्चों देखो जैसे मान लो कोई सवाल ऐसा है x बराबर a की घात m, b की घात n, c की घात p, इसको क्या लिखेंगे डेल्टा x अपॉन m, घात को आगे ले लिया m डेल्टा a अपॉन b, घात को आगे ले लिया n डेल्टा b अपॉन b, और घात को आगे ले लिया p डेल्टा c अपॉन। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव तो कभी लेंगे ही नहीं बच्चों, नेगेटिव कभी भी नहीं लेंगे बच्चों, खास करके इस बात का ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बच्चों। तो मैं आज के लिए इतना रखता हूँ, अगले लेक्चर के अंदर मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़ाया हो गया पढ़ लेंगे, और दूसरा अंकों को पूर्णांकित करना राउंडिंग ऑफ, ये दो टॉपिक अपने रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर के। उसके बाद एक दो लेक्चर चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण यूनिट, उसके बाद आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा बच्चों। बड़े डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, पहला चैप्टर तुमने दो लेक्चर में खत्म कर दिया, दूसरा चैप्टर में लगभग अपने 12-13 लेक्चर हो गए, 3-4 और लगेंगे, तो लगभग 15-16 लेक्चर हम लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया उसके ऊपर बच्चों। अब मेहनत आपको करनी है, पूरा ध्यान देना है, अभी हमारे पास त्रुटि के क्वेश्चन चलेंगे तो काफी सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा बच्चों।
वीडियो को इसी प्रकार बच्चों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।